अब हमें विवेचना करिए, समालोचना करिए, जो गलत है तो गलत कहिए, जो अच्छा है उसको तो हम सही कह दीजिए एक बार, लेकिन ना कसम खा ले वो जो कह दिल ना ओकरा सही ना कहम, बाकी सब सही रहत। तो सामने है कि का कहावे है कानून वापस लेवे पड़ल। कौन कानून? कृषि कानून। तू अपन हमरा से ज्यादा कृषि कानून कृषि कानून वापस लेकर मान रहे या न रहे कृषि कानून को मतलब न है आप ना करे पर नहीं हुआ है जब हुआ तो आप लोग जब विदेशी चंदा के हाथों बिक गए और देश में हिंसक आंदोलन शुरू कर दिए, देश कानून व्यवस्था बिगाड़ने लगे, तब मोदी जी समझदारी के हमको वापस ले लिए, क्योंकि लगा कि सबको समझाने से कोई फायदा न है, इसे तो भांग धतूरा पिए हुए है, विदेश का रुपया है, उसका रुपया तो खूब खा रहा है, लोग मस्ती कर रहा है, किसान मजदूर के चंदा ऊपरी मलाई मार दिया, देश के रुपया पर कैसा मजदूर की लड़ाई लड़ते लड़ते हाँ मजदूर कभी ऊपर उठा, मजदूर का लड़ाई कभी न लड़े वामपंथी पार्टी, कभी नहीं लड़ते मजदूर का लड़ाई, मजबूर के नाम पर नहीं, मजदूर को मजबूर बनाने के लिए लोग काम करते हैं केवल। ओहो जैसे देखूं जला इतना साल से देश में बिहार का इतिहास छोड़, बिहार का ले लीजिए मान लीजिए सिंपल था, जिसको ये लोग सामंतवादी कहते हैं, पहले सामंतवादी विचारधारा होता, अभी लोगों के अनुसार जाति के अनुसार सामंतवादी होता है, जो चार जाति में पैदा होकर सामंतवादी हो गया लोग के अनुसार। आप कोई कहने में लाभ हो रहा है इसलिए ये बात आप बोल रहे हैं, हम कहला बोल रहे हैं, आप लोग बोलते हैं, और समाज का वही वर्ग ये बात बोलता है जिसको बोलने में लाभ है, वो मैंने सब बात में बोलने में लाभ हानि सोच के बोल रहे हैं। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिना लाभ हानि सोच ले कोई कोई बात बोल यही बात तो कह रहे हैं। अभी छोटू ठीक कह रहा था कि जो राजनीति कर रहा है ना वो शोषक वर्ग है, वो शासक नहीं शोषक है, वो तो है आप जो हैं अभी जो सत्ता में है तो आपकी पार्टी मेरी बात नहीं सत्ता में नहीं जो राजनीति कर रहा है वो सब शोषक है, आखिर जिम्मेवारी उसी के ऊपर रही है और फिर भी पिछड़े हुए हैं। और कुछ नहीं आप पैदा हुए तैयार से बिहार में सरकार किसकी देख रहे हैं? हम तो भाई देख रहे हैं यही सामाजिक न्याय वाले का ना, इनके लाइन इनके बारे में बहुत स्पष्ट, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, इनके बारे में स्पष्ट एक लाइन लिख के रखे उसे बराबर हम कोट करते हैं कि समाजवाद के झंडा जो है, समाजवाद के झंडा में धर्म निरपेक्षता का डंडा घुसेड़ करके हाँ आप परिवारवाद का खेला खेल रहे हैं लोग। अरे तो भाई झंडा के नीचे डंडा घुसेड़े के कारण का है परिवारवाद, जो हमें विरोध करे तो डंडा चलाएं, परिवारवाद को स्थापित करना। सब लड़का जुआ पीढ़ी जो है ये लोग जहिया से हो समतहिया के बाद सरकार बिहार में तथा कथित सामाजिक न्याय का देख रहा होगा, 16-17 साल तो नीतीश जी का हो गया, 16-17 साल हो गया बीजेपी का भी, हाँ बीजेपी 17 साल हो गया हो गया कि आप मनन कीजिए हमको जवाब कुछ नहीं समर्थन है 15 साल तो कम से कम विश्लेषण कीजिए यहाँ से यहाँ से इस पर भी तो बीजेपी में भी क्लीन चिट थोड़ी दिया जाएगा, नहीं 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 हम तलाली नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो बीजेपी में भी तो सत्ता में वही वर्ग था, शासक के रूप में वही स्थापित था जो सामाजिक न्याय का पुरोधा था, जो अपने को जेपी का चेला कहता है, जेपी का तो वो हसर कर दिया है, जेपी जो है ना अब फ्रॉड राजनीति का पर्यायवाची बन गए हैं, माने फ्रॉड राजनीतिज्ञों के गुरु का पर्यायवाची बन गए हैं जेपी, उसको गुरु आपने भी मान लिया, किसको मुझे कह रहे हैं जेपी जी को, जेपी का सारा चेला फ्रॉड निकला, स्वाभाविक है वैसे गुरु पे प्रश्न खड़ा होगा, वो हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन उस समय जेपी के हंसो हंसो करे वाले आप भी थे सब कुछ, लेकिन जेपी जेपी हुए, हम क्या बोल रहे हैं अभी भी कह रहे हैं, सिंगल टू पार्टी हिंदुस्तान, तीन पार्टी जो था उसके विरोध में था कि ये फासिस्ट, हम क्या बोल रहे हैं उसी जेपी का कांग्रेस तो पहला था और सीपीआई, कांग्रेस सीपीआई आएगो अंबेडकर के पोता के रिपब्लिकन पार्टी की का है महाराष्ट्र में, फिर बोल रहे हैं जेपी को हम गलत आदमी नहीं मानते हैं, लेकिन जेपी के चेला जेपी को ऐसा पर्यायवाची बना दिया है अब कि
तुरंत बदल जाना है, महात्मा गांधी वाली बात तुरंत बदल जाना है। ये तो खैर गई तो भाई तुम लोगों का किए हैं, इसमें यही कहा कि आप लोग बचते हैं। लेकिन ये हो रहा जो है ना वो तेज आंच में जला दिया है, जितना कुरकुरा हो रहा सब जल गया है। ना दो तीन आदमी रहता ना, ना जैसे अन्ना हजारे घुट घुट के मर रहा है। गांधी घुटे घुट के मरता ना, वो मरता ना थोड़ी है, वो तो अभी पागल नहीं है। जैसे सगरों कभी पोरबंदर तक, कभी कोयम्बटूर तक, कभी मद्रास तक, कभी चेन्नई, उन्हें भारत अमर भारत बना रहे थे। गांधी देखिए व्यक्तिगत निष्ठा अगर किसी का जुड़ जाएगा ना, तो आपका सामाजिक हित का जो सोचने की क्षमता हुआ भी कम हो जाएगा। गांधी जी के साथ भी हमको लगता है कि यही हुआ था, अंतिम में हुआ है, अंतिम की बात है। अंतिम में नेहरू परिवार के प्रति इतनी उनकी निष्ठा बढ़ गई परिवार के प्रति, तो सब भूल गए, इतना भूल गए ना कि लोकतंत्र के नियम ही लोकतंत्र करवा दिए, मतलब भ्रूण हत्या कहिए तो। ये तो सर्वविदित है, अंतिम में एकदम लड़ा आ गया। पटेल जी जीते हुए थे, हत्या करवा करे वाला क्या, अगर हत्या कर दे तो नहीं। हत्या तो देखिए बाबा, हत्या तो किसी की भी है तो गलत है, गलत है। हाँ, हत्या किसी की भी है, मैंने संविधान के अनुसार अपराध करने वाला को हत्या, वैचारिक मतभेद का मतलब ही नहीं है, विचार से लड़ना चाहिए। लेकिन अब उसको अंतिम दम तक विचार से लड़ाई होना, लड़ाई तो हमारे मुझे हम उड़कते हैं पानी में ध्वज वाहक थे इनको ये होली में रंग का जरूरत था। हमें लगता है ना कि नाथू से ज्यादा गांधी जी को उनके विचार मार कर पाए। ये लोग तो ज्यादा बीजेपी पर जो है एकदम खुला जो है से क्या आरोप लगाते हैं, गांधी के नाम लेने का अधिकारी नहीं है बीजेपी वाले लोग। जानते हैं बाबा, जिस महापुरुष का जितना ज्यादा मूर्ति लगा है समझिए उसका उतना ज्यादा गिंजन हो रहा है। बाबा ये लोग बीजेपी वाले लोग है, गांधी को नाम ले रहा है लेकिन कभी नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद नहीं करता। रामराज यह हार जो है, हार इसको सनातनी कह रहे हैं, या तो विकास की जो परिकल्पना है उसको मान और ना तो विकास की जो परिकल्पना को, आज के विकास के परिकल्पना को आप नहीं मान रहे हैं, तो जो धार्मिक बातें हैं जो कही गई है उसको मान रहे, विकास किसको कह रहे वाले हैं, कैसे इस पृथ्वी पर हम लोग आए उसको मैं विकास। गांधी जी को दो तरह की आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जीवन के हर उपयोगिता, यहाँ तक आप हसुआ खुरपी भी गया उसका पूजा करके तब आपका जिस गाय से जीवन चलता हो आदमी का जिंदगी चलता है। हम पूजा धर्म से नहीं छोड़ जोड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं वो गाय जीवन का सहारा है। आप ही लोग गाते हैं रामायण की मंडली में कि गैया लीलिया मैयो से भी सहारा, उसमें हमको कुछ नहीं जाना है। वो पी जो है हिंदू मुसलमान नहीं आ रहे, ये डार्विन के सिद्धांत ये सवाल है कि डार्विन सही था कि गलत था। डार्विन के विकास के अनुसार हम लोग तो पूर्ण मांस खाते थे, हम लोगों के जो अपनी विचारधारा है उसमें भी बाम मार्गी खाते हैं, शराब पीते हैं। सनातन में बहुत पहले भी लोग मांस खाते थे। राम हालांकि कहेंगे तो आप लोग भड़क जाइए, राम जी मिर्गावा के मारे गए कहेला पूजा करेला, हम शिकार को कहीं तक गलत नहीं कर रहे, गए थे तो खाते थे हम, नहीं आप वही ना बेबदल दे रहे हैं, प्रतिबंध नहीं आप धर्म से जो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं जिससे समाज का जीवन का जो आधार था उसको लोग खत्म नहीं करता था। गाय साधारण कोई जीव नहीं है, गाय से दूध बेच करके, गाय का गोबर बेच करके, गाय का लोग जीवकोपार्जन करता था। मुसलमान जो है कसैवन जो है मुसलमान खास करके जो 10 किलो दुआ करी थी ओकरा जाके काट दे थे, मतलब 10 किलो जो गाय दूध दे रही है
उसको दागे काट रहा है। बात हिंदू मुसलमान पर क्यों आला दिया? हम लोग हिंदू से कहीं नहीं रहे कहीं से। कौन लोग उसमें धरा रहा है? केवल मुसलमान धरा रहा है तो क्यों वही केवल काम कर रहा है? बस आपका मामला है, इस पर जब तक चोट नहीं करेंगे तब तक आप सुधरिएगा नहीं। जो आप कर रहे हैं कुरान में गौ हत्या है, हमने कुरान पढ़ा। अच्छा, हिंदुस्तान के बाद बहुत कम माने हिंदू तो लगता है कि तीसरा चौथा स्थान पर है। बाकी जो क्रिश्चियन है, बाकी जो मुस्लिम है, भूलवा दिए सब करके को बच्चा कहे थे रामचंद्र जी हिरण को मारने के लिए, लेकिन हमारी जितनी भी पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है बात को नहीं प्रमाणित, यह बात को कहीं प्रमाणित नहीं करते। हम लोग उसी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ से चलते हैं। क्या वो बैल है ना हल्का काम नहीं कर वाला था? और उस समय जैसे राजा राजवाड़ा उनके पास जाए जब इतना उसका जूता मत पहने। हाँ, सबसे बढ़िया कुरुम जो है बचवे के हो गई गर्भपात होला उसको बंद कर, उसको क्यों नहीं रोकते हैं? ये बात बहुत लोगों का पता भी नहीं है। जो बात मानते होंगे आप कौन चीज इसकी जानकारी जरूर होगा, लोगों को ना किसे होगा ना। सबसे ज्यादा बूचड़ खाना आरएसएस के लोग भाई लोग बात करते हैं गौ माता के। अरे भरमाइए लोगों को, भरमाइए जितना दिन भरमाइए। हम लोग कहियो नहीं करते हैं, हम तो किसान हैं, हम तो गौ माता कहबे करेंगे। आप गोरक्षक हैं कि गोबर से हाथ नहीं लेता है? गोरक्षक नहीं है, हम गोरक्षक नहीं है। वही लोग जो है डिबेट में जाता है। नहीं नहीं, हम गोरक्षक नहीं है, हम कृषक पुत्र है। कृषक जो होगा हम गोरक्षक है, गोरक्षक कहां से हम खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में किसान जो है वो गोपालक होगा। गोपालक नहीं है तो किसान नहीं है। अगर सिर्फ बौद्धिक रूप से इसको देखा जाए तभी हिंसा नहीं करना चाहिए किसी भी जीव को। अगर इसको धार्मिक रूप से नहीं जोड़िए, प्रकृति का एक अंग है और प्रकृति के अंग को हम लोग को नुकसान नहीं करना चाहिए। सिर्फ बौद्धिक रूप से इसको लेकर चलिए। उसमें तो यो है ना कि बकरी प्रकृति का अंग ना है, मछली ना है, मुर्गा ना है, सबके बारे में कह दिया। हम ये थोड़े कह रहे हैं प्रकृति से जो भी है उसको छेड़छाड़ मत करिए। अब उसको बचाते हुए थोड़े कि हिंदू बकरी खाता है तो उसके लिए हम एक चीज आप लोग पास ये हो सकता है आप लोगों को भी जाके और हां हां उसमें तो एक चीज है, उसमें तो प्रकृति के लिए बहुत प्रकृति ने चेरा जैसे मछली के लिए भगवान हार बनाए होंगे। हार बनाए तो चेरा अपने से खाएगा ना, आप देखकर फंसा रही ना गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मछली को बौद्धिक ताकत नहीं ना इस पर दिया गया है प्रकृति। आप मनुष्य हैं, आपको बौद्धिक वैसे की शक्ति मिली है, इसका उपयोग करते हुए आप जितना संभव हो सके उसकी रक्षा कीजिए, है ना। आप सीधे जाते हैं वैसे तो बोलने के क्रम में भी बहुत सारा सूक्ष्म जीव हम लोग के अंदर चला जा रहा है, तो हम लोग नहीं देख पा रहे तो भी अलग विषय। लेकिन मोटा मोटी जितना संभव हो सकता है ना उतना करना है। अच्छा, आप विषय पर आइए कि गाय के तो जो आप कह रहे हैं कि मांसाहार और शाकाहार, तो गाय का दूध भी मांसाहार है। कई विश्व के विश्वविद्यालय जो है इस बात को प्रमाणित किया कि दूध जो है वह भी जो है मांसाहार में ही आता है। कैसे नहीं आएगा? वो दूध बना है बछड़े के लिए, बछड़ा को न देकर पी जा रहे हैं आप, उससे मांसाहार नहीं होगा। दूसरे का हक छीन रहे हैं, हक छीन मांसाहारी नहीं होगा। वो बायोलॉजिकल मामला है, बायोलॉजिकल है। वो गाय अपने बछड़े का अतिरिक्त दूध जाया दे रही है। कितने लोग बछड़ा को पेट भरने के बाद उनको हटाते हैं? यही तो व्यवहार का दृष्टि में वही बात क्या उसको कहते हैं गिनने लायक। अच्छा, लेकिन विजय वालों की बीमारी अब निकालना चाहिए, मोदी को गाली पकने वाले अब निकल है। हाँ, ये भैया दादा बक्तन को निकल।
बिहार के लेनिनग्राद खत्म हो गए लेनिनग्राद से खत्म भेल बिहार के लेनिनग्राद में कमल कर गए सुनने सुनने लोग हुआ तो है तोरो से बड़का टीक वाला बड़का टीका वाला एमपी हो अब यही से चल दे कि तू लोग का हो बड़ा के मंत्री बना है वो 1 करोड़ रुपया कैश पेड तक मिलल भाई गंगाधर बिहार का घरे जाते हो भाई वो चार चार किलो खाते हैं पूरे तो कर रहा है एक बार में पूरा अच्छा है हां ठीक टीका से मच लाल टीका जो है ना लाल टीका मतलब हिंसक लाल टीका का मतलब हो गया खतरनाक काली उपासक लोग बाबू जल्दी में पर हमरा भी कुछ कहे के है तुम कहे तो रोड पर जाए था गाड़ी चला आप बीच रास्ता में गबड़ा गुबड़ी अगर ललका जो है ना बना ले तो लाल झंडा डला है हाँ अभी आप सही बोले अभी आप सही बोले बजरंग बली के साथ जोड़े तो अच्छा लगा थोड़ा बाद में ना पहले वही ना लाल है ना उनको प्रिय है उनको बहुत प्रिय है हां बोले ना एक बूढ़ा आधा पहुंचे लगा ओ तेरे सोम तो कैसे मैं आरू हके तेरे से लगेला बताओ आप पूछा दे हम मान जी तू साबित किए ना हो तू साबित कर दिए मान जी के राम देखो ए अभी ये सब ना की विषय इंटरेस्टिंग बन जाता ऐसे भाषा में बोलिएगा ना कि